भाई अभी भी टाइम है, पूछ लो अपने दोस्तों से कि क्या था अपना प्रोजेक्ट। What's up everyone, this is your boy Sakshan। तो भाई आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ वॉज माई वीजा इंटरव्यू। तो इसी के साथ शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज कि वॉट ऑल डॉक्यूमेंट्स आई शुड टेक टू द वीजा इंटरव्यू। तो सबसे पहले तो तुम्हारा पासपोर्ट, देन DS-160, देन सर्विस फी रिसिप्ट एंड देन I-20। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स दैट यू शुड टेक अलॉन्ग विद यू। रेस्ट जो है वो तुम्हारे ऑफिशियल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग जो भी है तुम्हारा। सो बिफोर गेटिंग इन टू द इंटरव्यू, तो सबसे पहले वो चेक करेंगे तुम्हारा सर्विस फी रिसिप्ट, I-20 और DS-160। तो उसके बाद तुम्हारा बायोमेट्रिक टेस्ट होता है एंड देन वो उसके बाद तुम्हें एक क्यू में भेज देंगे जिसमें बहुत लंबी लाइन होगी और तुम्हें बहुत सारे काउंटर्स होंगे। तो वो तुम्हें बता देंगे तुम्हें किस काउंटर पे जाना है। तो जब तुम उस काउंटर पे जाओगे तो तब तुम्हारा इंटरव्यू शुरू होगा। तो अब शुरू करते हैं डिस्कशन के क्वेश्चंस क्या पूछे मुझसे। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने मुझसे पूछा वो था विच यूनिवर्सिटी आर यू गोइंग टू। तो मैंने बोल दिया यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड बाल्टीमोर काउंटी। और देन दे आस्क्ड मी हु इज स्पॉन्सरिंग यू एंड व्हाट योर स्पॉन्सर डू। सो दीज वर माई क्वेश्चंस। मैंने वो भी देखा कि बहुत सारे बच्चों से वो भी पूछ रहे थे कि उनका अंडरग्रेड का प्रोजेक्ट क्या था। तो अगर अंडरग्रेड में तुम्हारे दोस्तों ने वो प्रोजेक्ट बनाया तो उनसे एक बार पूछ लेना कि क्या बनाया है। और कुछ स्टूडेंट से ये भी पूछा कि व्हाई यू आर गोइंग टू दिस यूनिवर्सिटी। तो हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर दिस आंसर वॉज कि आई हैव लर्न अबाउट 2 to 3 प्रोफेसर्स नेम एंड व्हाट सब्जेक्ट्स दे आर टीचिंग। सो दिस इज हाउ आई रिलेटेड दैट आई हैव चूजन दिस यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ दिस प्रोफेसर्स एंड आई रियली लाइक देयर रिसर्च एंड रियली वॉन्ट टू वर्क अंडर देम। दैट्स व्हाई आई एम choosing this university. So some other question that they also asked is that why you want to come to US. So kuch students se ye bhi pucha ki what do you know about that place that you are going. For example, main Baltimore mein hu to mujhse jaise pucha ki what do you know about Baltimore. Har ek place ki ek khasiyat hoti hai, tumhe wo pata hona chahiye ki wo kya hai. And one more question, the most important question, that what are your future plans after completing your masters. And the best answer that you can prepare for this is I will come back to India, as India has a very wide scope in the field of AI and healthcare and I really want to work in this field as AI is a very booming industry. So this is why I want to come back to India after completing my degree. So this is how they will get confident that you are a genuine person and then your visa is approved. तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छी लगी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस।